What's up guys, welcome back to another video. और आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो है एक क्विकर और फोन के स्कैम के ऊपर. तो कुछ लोग अपनी एडवर्टीजमेंट डालते हैं क्विकर या फिर ओएलएक्स के ऊपर और वो बहुत सस्ती डालते हैं. तो आपको काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट मैं दिखा देता हूँ पहले ही कि लोगों ने आईफोन डाले हुए बहुत सस्ते सस्ते, जैसे आईफोन 7 प्लस, आईफोन 8 प्लस, आईफोन एक्स, आईफोन एक्स आर 10,000 रुपये में, 8,000 रुपये में ये सारे आईफोन्स आपको मिल जाएंगे ओएलएक्स और क्विकर के ऊपर लिस्टेड. बट ये रियलिटी इनकी क्या होती है, जब आप परचेस करने के लिए उस इंसान को कॉन्टैक्ट करते हो तो वो क्या करते हैं, वो आपको बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम लोग ये आईफोन बेचना चाहते हैं और हमें अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है. और कुछ लोग लालच के चक्कर में कि इतना सस्ता मिल रहा है वो उनको फटाफट पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं और जैसे ही पैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो इंसान गायब हो जाता है तभी के तभी. और ऐसा ही एक और स्कैम मैं आपको बताता हूँ कि अगर बाई चांस आप अपना फ़ोन क्विकर या ओएलएक्स पे डालते हो तो आपके साथ कैसे स्कैम हो सकता है, उसका उल्टा रिवर्स. तो इसके अलावा एक और स्कैम के बारे में आपको मैं बताता हूँ जो ओएलएक्स और क्विकर के ऊपर होता है और उसमें ये लोग यूपीआई का यूज़ करते हैं, वो कैसे होता है और आप कैसे बच सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा. बट पूरी वीडियो देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन. तो जब आप अपना फ़ोन क्विकर या ओएलएक्स पे डालते हो सेल करने के लिए तो सबसे पहले जो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं वो स्कैमर ही होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं इन चीज़ों के ऊपर. वो आपको कॉन्टैक्ट करके बोलेंगे कि प्राइस को थोड़ा नेगोशिएट करो ताकि आपको लगे कि हाँ ये डील थोड़ी जेन्युइन है और बंदा रियल है जो मुझसे नेगोशिएट कर रहा है. मान लो आपने 20,000 का आईफोन डाला और आप उनको बोल रहे हो 19 में कर लो, तो वो बोलेंगे ठीक है तो आप मुझे अपना UPI ID या फिर Google Pay नंबर बता दो, मैं उस पर आपको पैसे भेज देता हूँ. वो आपको तभी के तभी बोलेंगे. मतलब कुछ सोचने वाली बात है कि आपने उनको फ़ोन दिया भी नहीं और वो आपको ऑलरेडी पैसे भेज रहे हैं. वो बोलेंगे कि हाफ अमाउंट आप ले लो अपना फ़ोन का और बुक कर लो हमारे लिए, बाकी का हम आपको बाद में दे देंगे. तो जब आप आपको उनको अपना गूगल पे या फ़ोन पे का UPI ID देते हो तो वो आपको एक रिक्वेस्ट भेजते हैं. मान लो 20,000 का आप फ़ोन बेच रहे हो तो आपको 10,000 की एक रिक्वेस्ट भेजेंगे और उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो लिखाएगा पे. तो आप जैसे ही पे पे क्लिक करोगे वो बताएगा आपके अकाउंट से इतने पैसे डेबिट हो जाएंगे. बट जब आप उनसे पूछोगे तो वो आपको बोलेंगे नहीं हमारा मर्चेंट अकाउंट है और जब आप इसमें पिन विन डाल दोगे तो आपके अकाउंट में उल्टा पैसे आएंगे, जो कि एक सरासर झूठ होता है. इसी का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपना फ़ोन लिस्ट किया था ये स्कैम देखने के लिए क्विकर के ऊपर. तो मुझे बाय चांस एक स्कैमर ने ही सबसे पहले कॉन्टैक्ट किया और उसने मुझे फ़ोन पे के ऊपर रिक्वेस्ट भेजी 9,999 रुपये भेजने के लिए. तो आप पहले कॉल सुनो और खुद देखो कि ये लोग कैसे स्कैम करते हैं आपको और कैसे आपको जानबूझ के बोलेंगे कि ये पैसे आपके वापस अकाउंट के अंदर आएंगे ना कि आपके अकाउंट से कटेंगे. तो अभी स्कैमर का कॉल मेरे पास दोबारा आ रहा है और उसको लग रहा है कि मुझे अभी तक पता लगा नहीं है इस चीज़ के बारे में कि ये स्कैम है. तो कॉल बैक करते हैं. तो अभी व्हाट्सएप कॉल किया है और हेलो, हाँ भैया वो बताया नहीं आपने कुछ. तो आप गूगल पे करा दो. ठीक है मैं गूगल पे करा देता हूँ. ठीक है ठीक है. ये नंबर डाल दीजिए गूगल पे वाला. भैया ये नंबर है सेम. ठीक है ना. हाँ जी यही नंबर है. हेलो. हाँ भैया गूगल पे ओपन करो अपना. हाँ जी भैया मैं गूगल पे ओपन कर रहा हूँ. गूगल पे ओपन हुआ भैया. हो गया भैया ओपन. हाँ देखो अभी 9,999 शो कर रहा है ना. अभी तो कहीं कर नहीं रहा है सर. वो देखो सीआर एक्टिविटी पेमेंट देखो ऑल ट्रांजैक्शन. एक सेकंड होल्ड करो भैया. हाँ तो ये आप देख रहे हो मेरे पास मैसेज आया है रेजर पे सॉफ्टटेक रिक्वेस्टेड 9,999 फ्रॉम यू ऑन गूगल पे ऐप. वंस अप्रूव्ड मनी विल बी डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट. अब देखो. हाँ भैया एक मिनट रुको. आ रहा है ना सर सीआर एक्टिविटी पेमेंट चेक करो ना ऑल ट्रांजैक्शन. All transaction. हाँ, all transaction होता है ना. CR activity payment होगा या all transaction होगा? Check balance के ऊपर लिखा हुआ. अच्छा मेरे पास यहाँ पे आ गया Razor Pay Softtech. हाँ 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 Razor Pay के नाम से. अभी pending में show कर रहा है ना payment पे. नहीं pending तो show नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है proceed to pay. हाँ proceed to pay कर लीजिए account में आपके में. अच्छा proceed to pay कर लूँ मैं. हाँ आपके account में. अच्छा मेरे account में हो जाएगा proceed to pay. हाँ जी भैया. ठीक है भैया कर दिया मैंने. अपना पिन डाल के बैलेंस चेक कर लीजिए. अच्छा ठीक है भैया पिन डाल दिया. अब क्या करना है? अभी क्या बता रहा है वहां पे? यहां पे आ रहा है सबमिट. क्या सबमिट करने के लिए बोल रहा है? सबमिट करने के लिए बोल रहा है. हां जी पिन डाल के बोल रहा है सबमिट करने के लिए. हां ओके करने के लिए आ रहा है ना. हां जी हां जी. हां आपको प्रेस्टी टू पे किया. हां जी गूगल पे वाला.
ठीक है मैं कर रहा हूँ भैया। तो गाइस मैंने अपने बैंक अकाउंट से सारा पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और मैं इस अकाउंट से अब आपको करके दिखाता हूँ। सबमिट। हाँ जी भैया, ये बोल रहा है इनसफिशियंट फंड्स। नहीं, ये बोल रहा है कि अकाउंट में पैसे नहीं आपके। नहीं, ऐसा क्यों बोलेगा? तो यहाँ पे आ रहा ना लिखा हुआ अकाउंट एरर इनसफिशियंट फंड्स। मैं आपको पहले 5 रुपए चेक करा देता हूँ, ठीक है ना? हाँ जी, पहले 5 रुपए चेक कर दे आप। चेक तो भैया, चेक तो क्या करना है, इसमें लिखा आ रहा है कि पैसे ही नहीं है अकाउंट में। वो तो दिखा रहा है अभी पैसा, इतना मेरे को 3-4 हज़ार दिखा रहा है इसमें जितना मेरे अकाउंट में है। भैया मेरे अकाउंट में अभी 3,000 रुपए ही दिखा रहा है जो मेरा बैलेंस है। मेरे पास तो नहीं आए, मेरे पास तो नहीं आए 2 रुपए। अरे 2 रुपीस आया होगा सर। नहीं आया भैया, अभी देखो जेस्ट में 2 रुपीस आया होगा आपके पास। मेरे पास, एक मिनट रुको, होल्ड करो। हाँ हाँ जी, 2 रुपए आया है। फाइन को करके देखो, प्रेस की तो पे पिन डाल के फिर बैलेंस चेक करो आप। ये प्रोसीड टू पे बोल रहा है इसमें। ठीक है, ओके कर रहा हूँ मैं। ये फिर से वही आ रहा है, इनसफिशिएंट अकाउंट फंड। नहीं नहीं सर, 2 रुपए पे करके देखो ना, पे करके प्रेस्टी तो पे कर दिया भैया मैंने, पे कर दिया, पिन डाल दिया। हाँ इसमें अभी भी यही आ रहा है कि अकाउंट में पैसे नहीं है। क्या बता रहा है? कि अकाउंट के अंदर पैसे नहीं है, इनसफिशिएंट फंड लिखा रहा है। हाँ जी भैया, मैं बता दिखाता हूँ आपको। ठीक है मैं आपको भेज रहा हूँ। हाँ जी, आपको भेज दिया भैया। मुझे सर अभी तक कुछ नहीं मिला। आगे भैया, ये क्या आ रहा है यहाँ पे? उसमें तो कुछ अमाउंट वगैरह भी शो नहीं कर रहा। फोन पे है आपके पास? फोन पे? हाँ फोन पे है भैया। फोन पे है ना? हाँ जी, फोन पे में कर देता हूँ, 1 मिनट रुको। अच्छा 1 मिनट रुक रहा हूँ मैं। फोन हाँ जी भैया, फोन पे ओपन कर लिया। व्हाट्सएप ओपन करूँ? क्या किया आपने मेरे को? रिसीव करो अपने अकाउंट में। ये स्कैन कैसे करूँ मैं अपने अकाउंट में? ये स्कैन कैसे करूँ मैं? स्कैन का फोन पे में जमा करके देखो एक बार। फोन पे? भैया फोन पे जाऊंगा, मेरे फोन में फोन पे करूंगा, स्कैन कैसे करूंगा? फोन पे ओपन तो करो आप, एक मिनट फोन पे ओपन करो। हाँ जी कर लिया भैया। हाँ अब हाँ देखो, ऊपर फोटो का निशान आ रहा होगा स्कैनर। हाँ जी आ रहा है भैया, स्कैनर आ रहा है। हाँ स्कैनर आ रहा होगा, वहाँ पे नीचे देखो यहाँ आ रहा होगा गैलरी। अच्छा गैलरी आ रहा है। हाँ जी हाँ जी आ गया। हाँ जी आ गया। हाँ जी आ गया भैया। सेंड आ गया? सेंड का आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है, सेंड कर लो अपने अकाउंट में। एक मिनट भैया, लोड हो रहा है ये। तो गाइस यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा रहा है। ये है पेटीएम आईडी बंदे की, 3,000 रुपये बोल रहा है कि अपने अकाउंट में सेंड कर दो, बट यहाँ पे लिखा रहा है डेबिट फ्रॉम, ये मेरा बैंक अकाउंट है इंडसइंड बैंक, यहाँ से डेबिट हो जाएंगे 3,000 रुपये। इसमें भी भैया एरर आ रहा है जी? एरर दिखा रहा है इसमें भी। अच्छा ठीक है भैया, अभी दोबारा 2 मिनट वेट करने को बोल रहा है। अभी लिटरली ये बंदा किसी और को स्कैम कर रहा होगा और मैं उसको बीच में फोन कर करके परेशान कर रहा हूँ।
सो दैट्स हाउ दे स्कैम यू। और ये स्कैम करना इतना ईजी है, और ये लोग दिन में आपको पता भी नहीं है कम से कम 100 से 150 फोन मिलाते हैं, और ज्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों को पहले से एक्सपीरियंस है कि कौन इंसान फंसने वाला है कौन नहीं फंसने वाला। और अभी तक मैंने उस इंसान को कन्फर्म भी नहीं किया कि आई नो यू आर अ स्कैमर, वो मैं उसको बाद में करने वाला हूँ इस वीडियो के बाद। तो आप खुद समझ सकते हो कि ये स्कैम कितनी ईजिली हो जाता है। आई मीन आप खुद इमेजिन करो, कोई बुजुर्ग आदमी अपना फ़ोन लिस्ट करता है, या कोई छोटे बच्चे फ़ोन लिस्ट करते हैं और उनका इतना ध्यान नहीं, उनको इतना UPI के बारे में पता नहीं है, तो वो बाई चांस पिन डालेंगे और उनके अकाउंट से पैसे ऐसे डेबिट हो जाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप जाओगे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करोगे, बट उससे कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि हमारी जो पुलिस है वो मेनली जो स्कैम्स पकड़ती है वो पकड़ती है लाखों के अंदर। उससे नीचे वो लोग रिपोर्ट लिख तो लेंगे बट कोई एक्शन नहीं लेंगे। UPI ट्रेस करेंगे, अकाउंट पता लगाएंगे। जो मोस्टली स्कैमर्स होते हैं वो बैठे होते हैं कोलकाता में, जॉब के पैसे लेके रफू चक्कर हो चुके हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आप इस स्कैम से कैसे बच सकते हो। बाई चांस आप अपना फ़ोन ओएलएक्स या फिर क्विकर के ऊपर लिस्ट कर रहे हो, तो आप बायर को सीधा सीधा बोलो कि आप फ़ोन लेने आओगे, या फिर बाई चांस आपका बायर बोलता है कि मैं किसी और सिटी में रहता हूँ आप शिप कर दो फ़ोन, तो आप उनको सीधा सीधा बोलो कि आप मुझे पेमेंट मेरे अकाउंट के अंदर डलवाओ। आप पेमेंट IMPS से ले सकते हो, NEFT से ले सकते हो, और बहुत सारे ऑप्शन है। बट कभी भी अगर आपका बायर आपको बोले कि आपके पास मैं नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा UPI पे, तो मान लो वो फेक है। अगर आपको कोई UPI पे पैसे भेजता है बाई चांस, तो डायरेक्ट सीधे आपके अकाउंट में आते हैं, आपको कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता, कोई बेनिफिशियरी नहीं ऐड करना होता, कुछ नहीं करना होता। सो दैट्स इट गाइज, ये है बेसिक स्कैम जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। काफ़ी लोग बाइक को लेकर स्कैम कर रहे हैं कि बुलेट ली है, बुलेट सस्ते में बेच रहे हैं कि हमें पैसों की नीड है कोविड की वजह से। सो गाइज बी अवेयर, और ये जितने भी UPI कंपनीज है वो आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाली, तो थोड़े बहुत लालच के चक्कर में गाइज अपने पैसों को नुकसान मत करा लेना। ये सारी चीज़ें आपको बाई चांस कभी सस्ती मिल सकती हैं अगर आपकी किस्मत अच्छी है, बट मोस्टली 99.9% ये चीज़ें स्कैम होती हैं। अगर आपको कोई सस्ता आईफोन दे रहा है, बाइक दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, अगर आप बाई चांस ले भी रहे हो तो आप खुद जाके बायर से मिलो, या फिर अपने बायर को अपने पास बुलाओ मिलने के लिए, और मेक श्योर आप उनकी ID भी एक बार ले लो फोटोकॉपी करा के, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपने अपनी बाइक या फ़ोन किसको सेल आउट किया है, जस्ट इन केस वो उसका मिसयूज़ करते हैं। सो गाइस दैट्स इट, ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। बेसिक सा वीडियो था बहुत, बट अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो एंड लाइक, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट डाउन कि नेक्स्ट आपको कौन सी वीडियो देखनी है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, लिव यंग एंड लिव फ्री।